घरेलू हिंसा निरोधक कानून न्यूजर्सी में एक नागरिक कानून है जो घरेलू हिंसा के शिकार लोगों की दुर्व्यवहार करने वाले से रक्षा करता है। घरेलू हिंसा निरोधक कानून के तहत संरक्षण हासिल करने के लिए एक दो चरणीय प्रक्रिया मौजूद है। पहला चरण दुरुपयोग की रिपोर्ट करता है और एक अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त करता है। दूसरा चरण एक निर्णायक निरोधक आदेश सुनवाई में शामिल होना है, जहां एक अदालत यह निर्धारित करेगी कि क्या अस्थायी आदेश को खारिज कर दिया जाए या निर्णायक बना दिया जाए। यह वीडियो एक अस्थायी निरोधक आदेश प्राप्त करने की प्रक्रिया की चर्चा करता है। यदि आप एक पति या पत्नी, पूर्व पति या पत्नी, रोमांटिक साथी या अपने बच्चों में से एक के माता पिता से घरेलू हिंसा का अनुभव करते हैं, तो आप एक अस्थायी निरोधक आदेश के लिए पात्र हो सकते हैं। यदि आप और प्रताड़ित करने वाले की आयु 18 वर्ष से अधिक है और साथ रहते हैं या रहे हैं या कमरे में इकट्ठे रहते हैं, तो आप भी एक अस्थायी निरोधक आदेश के लिए पात्र हो सकते हैं। घरेलू हिंसा में 19 अपराध शामिल हैं: उत्पीड़न, साइबर उत्पीड़न, आतंकी हमले, हमला करना, पीछा करना, हत्या, अशिष्टता, यौन उत्पीड़न, आपराधिक अत्याचार, झूठा कारावास, आपराधिक अंकुश, अगवा करना, आपराधिक तरीके से घर में घुसना, चोरी, आपराधिक शरारत, डाका, आपराधिक जबरदस्ती, निरोधक आदेश का उल्लंघन और कोई अन्य अपराध शामिल है जिसमें मृत्यु या गंभीर रूप से शारीरिक चोट पहुंचाना शामिल है। यदि आपको कानूनी सलाह या प्रतिनिधित्व चाहिए, तो आप 1-888-LSNJ-LAW पर कॉल करके या www.lsnjlawhotline.org पर हमारे ऑनलाइन प्रवेश को पूरा करके यह पता लगा सकते हैं कि क्या आप योग्य हैं।